नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी का छापा पड़ा है। अभी की ये खबर है और जैसे ही ये खबर आई है वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में हंगामा मच गया है, बवाल मचना शुरू हो गया है। 2 साल से सीतापुर जेल में आजम खां बंद है और एक तरफ आजम खां जेल में बंद है और दूसरी तरफ उनके ठिकानों पर छापा, ये किस ओर इशारा करता है आप खुद सोचिए। उन पर 88 मामले दर्ज हैं और 87 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है। एक मामला उनका खत्म होता है तो दूसरा मामला उनका शुरू हो जाता है। मंगलवार को भी उन्हें एक मामले में जमानत मिली, लेकिन जैसे ही ये जमानत मिली वैसे ही दूसरा मामला उन पर दर्ज हो गया। इस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है और उसने यूपी सरकार से ये पूछा है कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि एक मामले में उन्हें जमानत मिलती है और दूसरा मामला इत्तफाकन दर्ज हो जाता है। अब खबर जो आई है वो ये है, अब अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी और राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा है। हैरानी कर देने वाली बात है और रामपुर की सबसे बड़ी खबर, आज की प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आजम खां समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं और आजम खां ही इस वक्त राजनीति का नाम बन गए हैं। आजम खां को लेकर राजनीति गर्म है क्योंकि उनके बेटे भी करीब 2 साल बाद जेल से रिहा होकर चुनाव लड़ा है और वो जीते हैं। वहीं आजम खां भी रामपुर सीट से वो पहले सांसद थे और अब विधानसभा चुनाव में जेल के अंदर रहकर ही उन्होंने चुनाव लड़ा है और जीता है, विधायकी का चुनाव जीता है और अपनी सांसद सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और अब खबर ये आ रही है कि कल उन्हें जमानत मिली थी और फिर एक केस दर्ज हो गया और उसके बाद अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है जिस कारण वो जेल में है। अब उन पर जो मामला वो दर्ज किया गया है वो ये है कि एक स्कूल की बिल्डिंग को फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट देने और उसकी मान्यता लेने के मामले में उन पर केस दर्ज हुआ है। 88 मामलों में से 87 में से उन्हें जमानत मिल गई है और आजम खां के मीडिया सलाहकार जो कि फसाहत अली है उनका नाम, और उन्होंने इस मामले में एक अलग ही मोड़ दे दिया था जब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं आजम खां जेल से बाहर आए। अब इसका मेन कारण क्या है, एक तरफ फसाहत अली का ये बयान देखें कि आजम खां को अखिलेश यादव जेल से बाहर नहीं निकलवाना चाहते और दूसरी तरफ उनके ठिकानों पर ईडी के छापे, किस ओर इशारा करता है कि क्या आजम खां अखिलेश यादव और योगी सरकार दोनों के बीच फंस गए हैं कि एक तरफ वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ठिकानों पर जौहर यूनिवर्सिटी पर छापा पड़ा है। फसाहत अली का यह बयान जैसे ही आया था वैसे ही पार्टी में खलबली मच गई थी। अखिलेश यादव भी इस मामले में कह रहे हैं कि वो वकील से बात कर रहे हैं, आजम खां को जेल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि 2 साल एक ऐसा नेता के लिए एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि वो इस टाइम 2 साल तक जेल में बंद रहे और पार्टी प्रमुख ये कहते हैं कि हम वकीलों से बात कर रहे हैं। और फसाहत अली का ये बयान कहीं ना कहीं अपने आप में सच साबित होता है और ऐसे में पार्टी के जो मुस्लिम नेता थे, कई सारे मुस्लिम नेता जो आजम खां के समर्थक थे, आजम खां के करीबी थे, उन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि आजम खां जेल में लंबे समय से बंद है। और अब कहीं ना कहीं ये मामला और बढ़ गया है जब ईडी का छापा आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर पड़ा है। केवल योगी सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, वो कैसे इनका इस्तेमाल करती है, एक तरफ नेता जेल में बंद है और दूसरी तरफ उनके ठिकानों पर, यानी कि आजम खां को चारों तरफ से घेर लिया है, उनके परिवार समेत उन्हें जेल में डाल दिया था, अब उन पर एक के बाद एक 88 केस दर्ज होना अपने आप में मायने रखते हैं जनाब, और एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरा केस दर्ज हो जाता है। हैरानी की बात है और अपने आप में सोचने की बात है कि आखिर सरकार सब के सब आजम खां के पीछे लग गए हैं। आजम खां को एक लंबा षड्यंत्र के तहत लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है या फिर उन पर मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि 88 मुकदमे दर्ज होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उनका जेल से बाहर ना आना एक किस ओर इशारा करता है। यूपी में सरकार बन गई, दोबारा बीजेपी की सरकार बन गई, आजम खां जेल में ही बंद है, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। क्या बीजेपी को डर है कि अगर वो आजम खां जेल से बाहर निकलेंगे तो फिर
वो सक्रिय होंगे और फिर उनकी पार्टी के लिए खतरा है। तो वहीं दूसरी ओर सवाल बनता है अखिलेश यादव से भी कि उनकी पार्टी के कद्दावर नेता जेल में बंद है लेकिन वो ऐसे प्रयास नहीं कर रहे जिससे बाहर आ सके। सवाल बनता है कि अब राजनीति में आखिर ये चल क्या रहा है। आजम खां को लेकर राजनीति में बवाल मचा हुआ है, उनके ठिकानों पर ईडी के छापे मारी हुई है और अब देखना है कि आगे क्या खबर आती है, ईडी को ऐसा क्या मिलता है कि इन पर नया केस दर्ज हो सके। अब ये नया मामला नया पैतरा इसीलिए ही है कि आजम खां को दोबारा कैसे बड़े मामले में फंसाया जाए, देखने वाली बात होगी। आप लोग क्या कहते हैं इस मामले में जरूर बताइएगा, क्या आजम खां पे कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कैसे साजिश रची जा रही है और तमाम एजेंसियों को उनके खिलाफ कैसे यूज किया जा रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आखिर राजनीति में ये क्या हो रहा है, सोचिएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जनहित आवाज से मैं हूं राशिद अली।